नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों आज फिर से मैं एक और नया जुगाड़ आपको लेकर आया हूं, एक नई नॉलेज, नई जानकारी। मेरे पास कमेंट आते रहते हैं दोस्तों कि सर इस मदरबोर्ड का वर्किंग प्रिंसिपल हमें नहीं पता, इस मदरबोर्ड का बताइए, इसका वोल्टेज चार्ट बताइए, इसमें प्रोसेसर से कौन सा वोल्टेज निकलेगा, मेमोरी आईसी कहाँ है, ऑडियो आईसी कहाँ है, इस मदरबोर्ड में LVDS के सिग्नल नहीं निकल रहे, ये 5 पेयर का है या 10 पेयर का है, ये HD रेडी है या फुल HD है, बताइए। तमाम तरह की मेरे पास इंक्वायरी आती ही रहती है। तो मैं आज आपको सभी तरह के मदरबोर्ड की नॉलेज ही दे देता हूं, एक बार में पूरा काम फिनिश। आज मैं आपको हर प्रकार के मदरबोर्ड की जानकारी देता हूं कि कौन सा मदरबोर्ड कैसे काम करता है, चाहे छोटा मदरबोर्ड हो 56U11.2 या 24 इंच का कॉम्बो मदरबोर्ड हो, 32 इंच का हो, 40 इंच का हो, या एंड्रॉइड मदरबोर्ड हो, या पैनासोनिक का हो, या LG का हो, या सैमसंग का हो, या MI का हो, ये सारे मदरबोर्ड का वर्किंग प्रिंसिपल एक होता है दोस्तों। आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा और इसके बाद आपको एक वो टेस्टिंग दूंगा जो टेस्टिंग आज तक कभी किसी ने नहीं दी होगी। कैसी टेस्टिंग? कि किस मदरबोर्ड में टीकॉन बोर्ड लगा है, किस में नहीं है, ये कैसे जाने, आज मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाता हूं। कैसे देखते हैं पूरे मदरबोर्ड की जानकारी कैसे मिले, देखिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर हमें मदरबोर्ड की जानकारी दीजिए, सभी तरह के मदरबोर्ड की जानकारी कि किस मदरबोर्ड में कैसे हम फॉल्ट ट्रेस करें, कैसे उसमें सेक्शन पहचानें। तो आज मैं आपको सभी तरह के मदरबोर्ड के बारे में बता देता हूं। देखिए ये एक मदरबोर्ड है, सबसे छोटा मदरबोर्ड, ये 17 इंच के सेट में लगा होता है। हम चाहें तो इसे 32 इंच में भी लगा सकते हैं, 40 में भी, 50 में भी, किसी भी साइज के सेट में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हर मदरबोर्ड का एक ही वर्किंग प्रिंसिपल होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। देखिए इस मदरबोर्ड में यहाँ ये पोर्ट है, यहाँ से 12 वोल्ट DC एंटर होते हैं। एक मदरबोर्ड ऐसा होता है जिसमें पावर सप्लाई भी लगी होती है और एक मदरबोर्ड ऐसा जिसमें पावर सप्लाई अलग से लगती है। तो ये अलग से पावर सप्लाई लगने वाला मदरबोर्ड है, इसमें अलग अलग सेक्शन हैं, इनकी मैं जानकारी आपको देता हूं। ये सभी पोर्ट तो आप जानते ही होंगे, ये सभी पोर्ट हर मदरबोर्ड में होते हैं, USB पोर्ट, ऑडियो वीडियो पोर्ट, HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट। इनके अलावा अब सबसे मेन बात है हमें इसमें सेक्शन पहचानना है। तो देखिए जो सबसे बड़ी IC है मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोसेसर होती है, सबसे बड़ी IC यानी प्रोसेसर। और प्रोसेसर के जस्ट पास में एक 8 पिन की IC लगी होती है जिसे हम कहते हैं मेमोरी IC। इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो इसी IC के अंदर इंक्लूड होता है। जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी मेमोरी होगी इसी IC में होगी। प्रोसेसर के जस्ट पास में एक सिल्वर कलर का एक पार्ट लगा होता है, इसे हम कहते हैं क्लॉक क्रिस्टल। तो प्रोसेसर, मेमोरी IC, क्लॉक क्रिस्टल। अब मैं आपको दूसरा मदरबोर्ड दिखाता हूं, इस मदरबोर्ड को देखिए दोस्तों। अब दोनों मदरबोर्ड में क्या समानता है, क्या अलग है, देखिए आपको खुद पता लग जाएगा। सेम पोर्ट सभी इसमें भी हैं, सबसे बड़ी IC यानी कि ये IC प्रोसेसर, प्रोसेसर के जस्ट पास में मेमोरी IC 8 पिन की और दूसरी साइड लगा है क्लॉक क्रिस्टल। इसमें बताइए कोई अंतर आपको दिखाई दिया? दोनों में सेम है। और अब इस साइड आ जाते हैं, तो इस साइड देखिए ये ऑडियो का जैक जहां स्पीकर कनेक्ट होते हैं, इसमें ये रहा ऑडियो का जैक। और इसी के जस्ट पास में एक IC लगी होगी जिसे हम कहते हैं ऑडियो IC, ये ऑडियो IC, इसमें ये ऑडियो IC। अब देखिए मैं आपको इन सब में समानताएं दिखाऊंगा, हर कंपनी का, हर मदरबोर्ड सब कुछ सेम होता है इसमें। इनके अलावा जो भी ये IC, ये कॉइल, ये सब इसमें, ये कॉइल, ये सब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होते हैं, यानी कि वोल्टेज को कम करने का काम करते हैं। 12 वोल्ट यहाँ से आए, इसके जस्ट पास में एक बड़ी कॉइल लगी है जो 12 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट होती है। ये 12 से 5 यहाँ बनेंगे, इसके बाद फिर एक और कॉइल लगी है,
ये अब कितना वोल्ट कन्वर्ट करेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। इसमें देखिए यहाँ 12 वोल्ट का पोर्ट लगा होगा, यहाँ से ये 5 वोल्ट की कॉइल, फिर ये छोटी कॉइल। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, अब मैं इन दोनों बोर्ड को हटाकर एक कॉम्बो बोर्ड आपके सामने रखता हूँ। देखिए ये कॉम्बो बोर्ड है, इसे हम अक्सर 24 इंच के सेट में लगाया करते हैं। हम चाहें तो किसी भी मदरबोर्ड को किसी भी सेट में लगा सकते हैं। अब इस मदरबोर्ड में देखिए ये हिस्सा पावर सप्लाई का है, इतना एरिया पावर सप्लाई का है। यहाँ से 220 वोल्ट एसी गए और यहाँ 12 वोल्ट डीसी बनकर आए। ये इस पावर सप्लाई का काम है कि 220 लेना और 12 देना। और जो हमने ये मदरबोर्ड देखा इसमें डायरेक्ट 12 लिए, 220 से 12 बनने का काम इसका जो एडाप्टर है उसमें होगा, तो सेम हुआ। अब देखिए इसमें प्रोसेसर, मेमोरी आईसी, क्लॉक क्रिस्टल, इसमें देख लीजिए प्रोसेसर, मेमोरी आईसी, क्लॉक क्रिस्टल, कोई अंतर है क्या इसमें? प्रोसेसर के जस्ट पास 8 पिन की एक आईसी होती है जो उसको सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें भी प्रोसेसर के पास में आईसी है 8 पिन की, और प्रोसेसर के दूसरे साइड होगा क्लॉक क्रिस्टल, इसमें प्रोसेसर के दूसरे साइड क्लॉक क्रिस्टल। ये क्लॉक क्रिस्टल क्या होता है? हर ऐसा वो मदरबोर्ड जिसमें प्रोग्रामेबल आईसी लगी हो, जिसमें मेमोरी आईसी लगी हो, जिसमें फ्लैश आईसी लगी हो, हर ऐसा वो मदरबोर्ड जिसमें फ्लैश आईसी लगी हो उसमें क्लॉक क्रिस्टल लगा होगा, वो क्लॉक क्रिस्टल के द्वारा ही रन करता है। इसका काम मैं आगे बताऊंगा आपको। ये LVDS सॉकेट है, यहाँ से एक केबल लगती है जो मदरबोर्ड तक, मदरबोर्ड से पैनल तक जाती है। इसमें ये LVDS सॉकेट है, यहाँ से केबल लगेगी जो पैनल तक जाएगी। अब हम एक और मदरबोर्ड देखते हैं जो कि 32 इंच में लगा होता है। ये देखिए इस मदरबोर्ड को देखिए, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, अब आपको सही से दिखेगा। इसमें ये रहा पावर सप्लाई का सेक्शन जो उसमें था, सेम होगा। अब पावर सप्लाई ने 220 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाए तो यहाँ आ गए 12 वोल्ट। अब यहाँ से फिर वही सिलसिला शुरू हुआ कि प्रोसेसर, मेमोरी आईसी, क्लॉक क्रिस्टल, ये आपको दिखाई दिए। अब देखिए हमें ढूंढना है ऐसा पॉइंट जिसमें 4 पॉइंट हो जो स्पीकर का हो। तो देखिए ये पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 4 पॉइंट वाला पोर्ट, 1 2 3 4 यहाँ स्पीकर लगता है। लेकिन ऑडियो आईसी की क्या पहचान है, अभी हमने वो पहचान जानने का तरीका नहीं जाना है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मदरबोर्ड मैंने आपको अभी दिखाया था, इसमें ऑडियो जैक, ये 4 पॉइंट वाला ऑडियो जैक है, इसके पास ऑडियो आईसी लगी थी। इसकी पहचान होती है कि इसके जस्ट पास में 4 कॉइल लगी होती हैं, 1 2 3 4 चार कॉइल और एक आईसी जहाँ भी लगे हों वो ऑडियो आईसी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि ऑडियो जैक और ये पास पास में हो, कभी कभी ऑडियो जैक यहाँ और आईसी यहाँ होती है, लेकिन आईसी के जस्ट पास 4 कॉइल ज़रूर होंगी। इसमें दिखाता हूँ आपको, देखिए ये आईसी, इसके पास ये 4 कॉइल लगी हैं, यानी ये ही है ऑडियो आईसी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक और अगला मदरबोर्ड दिखाता हूँ, इसको हटाता हूँ। ये रहा, ये देखिए वीडियोकॉन, सेंसुई और फिलिप्स कंपनी के सेटों में ये मदरबोर्ड आता है। तो इसमें भी देख लीजिए ये पावर सप्लाई का सेक्शन है, इतना इसने 12 वोल्ट बनाए या 5 वोल्ट बनाए, जो भी बनाया यहाँ दे दिया, ये जैक दे दिया इसमें। अब देखिए ये प्रोसेसर, ये मेमोरी आईसी और ये क्लॉक क्रिस्टल, सब कुछ सेम। प्रोसेसर सबसे बड़ी आईसी, उसके पास 8 पिन की आईसी, मेमोरी और इसके दूसरे साइड क्लॉक क्रिस्टल। अब आप कहेंगे कि ये भी तो 8 पिन की आईसी है, ये भी 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 8 पिन की आईसी है, ये क्यों नहीं है मेमोरी? ये इसीलिए नहीं है क्योंकि ये प्रोसेसर के पास में नहीं है। प्रोसेसर के जस्ट पास में जो आईसी होगी वही मेमोरी आईसी होगी। ये अलग अलग रेगुलेटर हैं जो वोल्टेज को कम करने का, बक करने का काम करते हैं, इन्हें हम आगे जानेंगे। अभी फिलहाल हम एक और नए मदरबोर्ड पर आते हैं। तो ये आपको इतना सिस्टम समझ में आया होगा। अब देखिए एक और आपको पहचान बताऊं, इसमें साउंड आईसी कहाँ है, ये देखिए। देखिए मैंने बोला कि 4 कॉइल जहाँ लगी होंगी वो साउंड आईसी होगी, तो जरूरी नहीं कि छोटी छोटी कॉइल लगी हों, इसमें बड़ी कॉइल भी हो सकती हैं। ये देखिए
एक दो तीन चार, चार कॉइल इनके पास में ये आईसी, ऑडियो की आईसी, साउंड आईसी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम और अगले मदरबोर्ड की ओर चलते हैं। देखिए, अब एक ऐसा मदरबोर्ड जिसे हम कहते हैं सैमसंग, सैमसंग कंपनी इसे यूज करती है, तो इसमें भी देख लीजिए सबसे बड़ी आईसी यहाँ हमने हाथ लगाया, ये सबसे बड़ी आईसी प्रोसेसर आईसी। इसके पास एक लंबी आईसी होगी आयताकार, या तो 8 पिन की होगी या तो आयताकार लंबी होगी। इसमें 8 पिन की आईसी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो एक लंबी आईसी हमें दिखाई दी, यानी ये इसकी मेमोरी आईसी है, फ्लैश आईसी। या तो 8 पिन की आईसी होती है या फिर इस तरह से बीजीए आईसी होती है लंबी। तो देखिए, प्रोसेसर, मेमोरी आईसी, क्लॉक क्रिस्टल। अब ऐसी आईसी जिसके आसपास चार कॉइल लगी हो वो ऑडियो आईसी होगी। तो देखिए, एक दो तीन चार, ये ऑडियो आईसी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एलजी पर। देखिए, ये एलजी का मदरबोर्ड है। इसमें सबसे बड़ी आईसी प्रोसेसर, प्रोसेसर के जस्ट पास में मेमोरी, प्रोसेसर के दूसरी साइड क्लॉक क्रिस्टल। इसमें कोई अंतर है क्या? अभी तक आपने कितनी कंपनियों के सेट देख लिए? देखिए, अब चार कॉइल देखिए कहाँ है, एक दो तीन चार, इनके पास में आईसी कहाँ है? ये रही, ये ऑडियो आईसी। आपको क्या परेशानी है इसको पहचानने में? बड़ी आसानी से आप पहचान जाएंगे दोस्तों। अब मैं इसके बाद एंड्रॉयड मदरबोर्ड की ओर आता हूँ। देखिए, ये एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड है, इसमें पहचानिए। देखिए, प्रोसेसर, अब मैंने बोला कि प्रोसेसर के जस्ट पास में या तो 8 पिन की आईसी होगी या फिर बीजीए आईसी होगी, लेकिन लंबी होगी। तो अब हमें लंबी आईसी तो दो दिखाई दे रही है, एक ये और एक ये, ये भी थोड़ी सी लंबी है। तो अब इनमें कैसे कंफर्म करें कि कौन सी मेमोरी है, कौन सी फ्लैश? तो देखिए, जो आईसी ज़्यादा लंबी हो वो होती है फ्लैश आईसी या मेमोरी आईसी। प्रोसेसर के जस्ट पास में ज़्यादा लंबी आईसी होगी वो मेमोरी, और थोड़ी कम लंबी आईसी होगी, इसमें दो हैं, थोड़ी कम होगी वो होगी रैम। प्रोसेसर, फ्लैश, रैम। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इस तरह का सर्किट अगर कहीं दिखाई दे तो वो एंड्रॉयड मदरबोर्ड होता है दोस्तों। एक और पहचान बताता हूँ आपको एंड्रॉयड की, कि इस तरह का एक अलग से किसी में मॉड्यूल लगा हो छोटा सा, जिसमें एक सिल्वर कलर का पार्ट लगा हो, वो होता है एंड्रॉयड मदरबोर्ड। एंड्रॉयड मदरबोर्ड में ये एक गोल कार एंटीना भी होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोसेसर के पास मेमोरी आईसी और एक क्लॉक क्रिस्टल होगा, तो देखिए ये रहा क्लॉक क्रिस्टल, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक और एंड्रॉयड मदरबोर्ड दिखाता हूँ इसके अलावा। देखिए, इस एंड्रॉयड मदरबोर्ड को देख लीजिए। इसमें सबसे बड़ी आईसी प्रोसेसर, प्रोसेसर के जस्ट पास में फ्लैश यानी मेमोरी, और प्रोसेसर के जस्ट पास में क्लॉक क्रिस्टल। क्या अंतर दिखाई दिया? और मदरबोर्ड भी आपको दिखाता हूँ, सब में एक ही सिमिलरिटी मिलेगी। मैं एक विशेष बात बताना चाह रहा हूँ आपको, वो लास्ट में बताऊँगा। देखिए, ये मदरबोर्ड है 32 इंच का। इसमें देखिए, ये प्रोसेसर, प्रोसेसर से सिग्नल निकले सीधे LVDS सॉकेट में गए। ये मदरबोर्ड है, इसमें प्रोसेसर से सिग्नल निकलकर सीधे LVDS सॉकेट में गए। और भी दिखा देता हूँ, ये वीडियो कौन का सेट है, इसमें प्रोसेसर से सिग्नल सीधे निकलकर LVDS सॉकेट में गए, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। और दिखाता हूँ, ये देखिए एंड्रॉयड मदरबोर्ड, इसमें भी ये प्रोसेसर, प्रोसेसर से सिग्नल निकलकर सीधे LVDS सॉकेट में जाते हैं। किसी भी सेट को देख लीजिए, ये सैमसंग दिखा देता हूँ। देखिए, सैमसंग में प्रोसेसर, प्रोसेसर से निकलकर सीधे LVDS के अंदर। LG में देखते हैं, LG में भी प्रोसेसर से सीधे निकलकर LVDS सॉकेट के अंदर। लेकिन दोस्तों, एक सेट ऐसा होता है जो इन सबसे डिफरेंट है, वो कैसा है मैं दिखाता हूँ। ये है पैनासोनिक का सेट, किसी भी कंपनी का हो सकता है सेट। देखिए, अब इसमें विशेष बात क्या है, ये प्रोसेसर, प्रोसेसर तो आप पहचान गए होंगे, प्रोसेसर, प्रोसेसर के पास मेमोरी आईसी, उसके पास क्लॉक क्रिस्टल, ये सारा सीक्वेंस वही होगा। चार कॉइल, उसके पास जो आईसी, वो ऑडियो आईसी, ये सब कुछ वही होगा। लेकिन एक चीज इसमें डिफरेंट है जो सबसे अलग बनाती है इसको, ये प्रोसेसर, ये LVDS सॉकेट, इतनी दूरी क्यों है इसके बीच में?
और यहाँ से जो सिग्नल निकले वो डायरेक्ट इसमें ना जाते हुए, आप जूम करके देखिएगा इसको, इसमें से डायरेक्ट ना जाते हुए इस आईसी में जाएंगे और यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे। यानी इन दोनों के बीच में ये आईसी, इसका क्या काम है? ये आईसी ये दर्शाती है कि इस सेट में टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है, जो पैनल के अंदर स्केलर बोर्ड या टीकॉन बोर्ड होता है वो इसके अंदर इंक्लूड है। इसमें जो पैनल लगा होगा वो एक आम पैनल नहीं होगा, वो इस मदरबोर्ड में नहीं लग सकता, इस मदरबोर्ड में नहीं लग सकता, इस मदरबोर्ड में नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें तो यहाँ से डायरेक्ट LVDS है और इसमें यहाँ से यहाँ आने के बाद LVDS के सिग्नल निकलेंगे। तो अगर ये मदरबोर्ड ख़राब हो जाए तो इसमें हम दूसरा ये मदरबोर्ड कैसे लगाएं या ये मदरबोर्ड कैसे लगाएं, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। तो इसमें हमें टीकॉन बोर्ड जो इसके अंदर लगा है, वो टीकॉन बोर्ड अलग से मार्केट में अवेलेबल होता है, वो टीकॉन बोर्ड हमें एक दूसरे मदरबोर्ड में लगाना होता है। मान लीजिए मुझे इसके अंदर ये मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है, अब इसे कैसे करूँगा? इसमें तो प्रोसेसर से सीधे सिग्नल यहाँ आ गए, अब इसमें हमें इन सिग्नलों को टीकॉन में देना होगा, टीकॉन पैनल में देगा तब वो पैनल चलेगा, टीकॉन तो इसमें इसके अंदर था, तो हमें इसमें कौन सा टीकॉन लगाना है आज आपको उसका तरीका देता हूँ, कैसे देखा जाता है टीकॉन लगाने का तरीका। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये मदरबोर्ड खराब है, इसकी जगह हमें ये मदरबोर्ड लगाना है, या कोई और भी मदरबोर्ड हो सकता है, किसी भी मदरबोर्ड को लगाना है। मान लीजिए मुझे ये एक छोटा सा मदरबोर्ड इसमें इंस्टॉल करना है, अब कैसे करूँगा? इसमें से तो LVDS के सिग्नल निकलेंगे, वो कहाँ जाएंगे? उन्हें तो टीकॉन चाहिए, तो अब टीकॉन इसमें कौन सा लगेगा आज आपको वो टीकॉन लगाने का तरीका बताता हूँ। देखिए 32 इंच के सेट में दो तरह के टीकॉन आते हैं, एक ये टीकॉन है, एक ये टीकॉन है, ये दो प्रकार के टीकॉन आते हैं। तो हमें देखना है, हमें कोई नंबर नहीं मिलाना, वैसे अगर आप इसमें नंबर के चक्कर में उलझेंगे तो दोस्तों उलझते ही रह जाएंगे, आप कभी इसमें नहीं देख पाएंगे कि कौन सा टीकॉन लगेगा। आपको मैं एक सरल तरीका बता देता हूँ, ये जो LVDS कनेक्टर है इसमें जितनी पिनें हैं उन पिनों को काउंट कर लीजिए और उसके बराबर आप इसमें देखिए क्या ये और ये दोनों कनेक्टर बराबर हैं, क्या ये दोनों की चौड़ाई बराबर है? जी नहीं दोस्तों, ये ज़्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा है, तो हम इसको नहीं लगा सकते। अब इसको देखते हैं क्या इन दोनों की चौड़ाई बराबर है दोस्तों, यहाँ इसमें जितनी पिने हैं उतनी ही पिने इस टीकॉन बोर्ड में है, तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। इस मदरबोर्ड के साथ जो पैनल लगा होगा उस पैनल में, जैसे देखिए यहाँ से एक FFC पैनल में जाता है डायरेक्ट, जो पैनल से FFC आया वो सीधे इसमें आ जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा, ये बन गया ये सॉकेट, इसमें आ गया और यहाँ से लगाइए LVDS और इस मदरबोर्ड को जोड़ दीजिए, आपका सेट चल जाएगा। तो हुआ ना कितना इम्पोर्टेंट जुगाड़, किसी भी मदरबोर्ड की जगह हम कोई भी मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, बस उसकी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये टीकॉन इस मदरबोर्ड की जगह हम लगा सकते हैं, हम चाहें तो बिना टीकॉन के भी पैनल को चला सकते हैं, इसका वीडियो मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँगा कि बिना टीकॉन के पैनल को कैसे चलाएं। हम चाहते हैं कि सभी तरह की परेशानियां आपके सामने आए, उनसे आप निजात पाएं। किस तरह की परेशानी आएगी, हर तरह की परेशानी से आपको निजात दिलाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक दें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये वीडियो देख लिया होगा, और ये हर प्रकार के मदरबोर्ड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मदरबोर्ड की जानकारी आपको मिल गई होगी। बस इस तरह से आप नॉलेज लीजिए, काम करते जाइए, सभी का वर्किंग प्रिंसिपल एक है दोस्तों, चाहे सोनी हो, सैमसंग हो, LG हो, MI हो, कोई भी हो, सबका एक वर्किंग प्रिंसिपल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों का इलाज करना है डॉक्टर को, ऐसा नहीं कि हिंदू के अंदर अलग अंग है, मुस्लिम के अंदर अलग अंग है, सभी का सेम वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों, सभी को एक ही दवाई काम करती है। कैसे किया जाता है आप आगे जानेंगे। आज का ये वीडियो मदरबोर्ड की पूरी टेस्टिंग का, मदरबोर्ड का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल का, कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ट्रेनिंग लेना हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, रात को 10 से 11 के बीच में या सुबह 9 से 10 के बीच में, बाकी समय मैं बिजी रहता हूँ, तो आप इस बीच में मुझे कॉल करें, अपना नाम रजिस्टर कराएं और हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और अपने भविष्य को संवारें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।